हम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस इजी पीजी मेकअप लुक यू गाइस। एंड ऑल्सो ये जो मेकअप लुक है, यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं फॉरएवर 52 के। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ दैट दिल्ली की बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है मीनाक्षी दत्ता, उनकी जो बेटी है शिवांगी दत्ता, उनका ये फॉरएवर 52 ब्रांड है। वो भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, दिल्ली की बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। तो उनका ये प्रोडक्ट आज मैंने ट्राई किया टू गेट दिस मेकअप लुक। एंड मेरा बेस, आज का जो मेरा मेकअप बेस हुआ है ना, वो बेस्ट हुआ है। लाइक अगर मुझे रेट करना होगा तो मैं खुद के आज के मेकअप बेस को या आज के होल लुक को सबसे बेस्ट रेट करूंगी, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर रियली रियली नाइस। मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज किया है और फाउंडेशन, लूज पाउडर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। होल लुक ही मैंने इनके प्रोडक्ट से यूज किया है। एंड यू कैन टोटली सी, मैंने मस्कारा लगाया ओनली, लैशेस भी नहीं लगाया है, जस्ट आप लोगों को एग्जैक्ट लुक दिखाने के लिए कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसा लुक टर्न आउट होकर आता है। एंड गाइज, लिटरली ये जो फाउंडेशन का शेड है ना, ये आई थिंक थोड़ा रॉन्ग सा निकल गया था, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा बट कैसे मैंने इसे फिक्स किया। तो गाइज, आज का जो मेरा मेकअप बेस है उसके लिए मैंने ये फॉरएवर 52 की अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन यूज किया। शेड वगैरह सब आगे आपको बताऊंगी मैं, बट आई एम लिटरली लाइकिंग द यू नो बेस। और ये फाउंडेशन बहुत कमाल का है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड एक टाइप का मिनी रिव्यू है विद द लुक। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप लुक। ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप ट्यूटोरियल एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल नए हैं। आई हैव फॉरएवर 52 का पूरा आई शेडो एंड फाउंडेशन एंड पाउडर एंड लिपस्टिक एंड काजल एंड मस्कारा, सो या ब्लश भी है। मैं सबसे पहले अपने स्किन को प्रेप करूँगी एंड जस्ट अभी मैंने अपने स्किन को वॉश किया है फेस वॉश से। सो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, सो आई नीड टू हाइड्रेट माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू यूज़ प्लम का ग्रीन टी वाला रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। आह, द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग, मेरा फेवरेट फेस मिस्ट। बिल्कुल मैंने ब्रांड न्यू परचेज किया, आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ वन और मेरे रिकमेंडेशंस आप लोगों को बहुत पसंद है। ये वाकई बहुत अच्छा सूट करता है फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, ये बेस्ट वर्क करता है। एंड अब मज़े की बात की, यू कैन यूज़ दिस एज अ सेटिंग स्प्रे ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू यूज पॉन्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है ना। अब इस बार बड़ा वाला खरीदूंगी बिकॉज आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। नाउ फॉर द प्राइमर, आई डोंट हैव फॉरएवर 52 का प्राइमर, सो आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन का ये मैट एंड बॉर्डलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाला, बट ये ना लिटिल हाइड्रेशन वाला प्राइमर है। आप देख सकते हो उसकी पतली सी लाइन बन जाती है। इट्स वेरी वेरी नरिशिंग हाइड्रेटिंग प्राइमर एंड वेरी वेरी गुड फॉर यू नो विंटर सीजन, या फिर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इसी वेरियंट में आपको अलग से एक ड्राई टू नॉर्मल वाला वेरियंट भी मिल जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत लाइट वेट है, ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। आज सोच रही थी पहले आई मेकअप करते हैं, बट फिर मैंने कहा नहीं यार, जैसे मैं सीरीज में करती हूँ बिल्कुल उसी सीरीज में करती हूँ, सो दैट मुझे भी याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया है। सो आज जो प्रोडक्ट मैं आज जो ब्लेंडिंग के लिए टूल यूज़ कर रही हूँ ना, वो है ये प्लम का ब्यूटी ब्लेंडर। आपने इसका एड बहुत देखा होगा, माइक्रोफाइबर, तो आप इसका टेक्स्चर देख सकते हो, बिल्कुल ये बिल्कुल वेलविटी माइक्रोफाइबर काइंड ऑफ टेक्स्चर है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बाउंसी वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। सो मैं फर्स्ट, सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, वो है ये फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन एंड माई शेड इज दिस। लेट सी कि ये रिस्क मेरा जो है वो इश्क में बदलता है कि नहीं। सो पैकेजिंग जो है वो, जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है, डोंट नो डार्क हो गया समथिंग, पता नहीं, अभी तो लग रहा है कि मैच कर जाएगा, तो मैं पहले क्या करती, ओके। सो इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत बहुत अच्छा टेक्स्चर है इसका, बिल्कुल थिक भी राइट अमाउंट है बट लिक्विडी भी है, सो आई थिंक एकदम परफेक्ट हो जाता है। दिस इज द स्वॉच, व्हाट डू यू थिंक गाइस, ये मुझे जाएगा कि नहीं जाएगा ना। एंड आई डोंट हैव एनी कंसीलर, तो इस फाउंडेशन को मैं एज अ कंसीलर भी यूज करने वाली हूँ। सी थोड़ा सा ज्यादा गोल्डनिश काइंड ऑफ आ रहा है, यहीं से अप्लाई करते हैं एंड सी
okay, so clearly this is not the right shade for me, but I can work with this. Actually इनके जो numbers हैं ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, और मैंने जितने भी वीडियो देखे उसमें मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि ये कैसा है कैसा है. मेरी स्किन पूरी डार्क हो गई है इसको अप्लाई करने के बाद, तो अभी मैं बस वहां वहां लगाऊंगी जहां मुझे कवरेज चाहिए. बट द बेस्ट पार्ट, ये जो फाउंडेशन है ना ये राइट अमाउंट ऑफ लिक्विडी है, राइट अमाउंट ऑफ क्रीमी है और लिक्विडी है, जिससे ब्लेंड भी अच्छे से हो रहा है. सो सेकेंड लेयर ब्लेंड कर रहे हैं हम इसका, और बेसिकली एज अ कंसीलर यूज करा जा रहा है इसको. ओके, सो ऑब्वियसली आई गॉट द फुल कवरेज, बट द शेड इज नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर मी. इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ब्लेंड बहुत अच्छा हो रहा है, एंड दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज मैजिकल अगेन. सो हम फटाफट क्या करते हैं ना, फेस को थोड़ा सेट कर लेते हैं. एंड आई हैव फॉरएवर 52 का लग्जरी बनाना पाउडर, तो इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है वो देख लेते हैं. मैं हमेशा बनाना पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर ये ले लेती हूँ बिकॉज मुझे वो ईजी लगता है. ओके, सो द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, कुछ इस तरीके का है. सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को निकाल लेती हूँ पीछे में. ओके, सो ये बहुत ही फाइन पाउडर है, एंड लिटरली आई एम अमेज्ड, मतलब एकदम अच्छे से इसने मेरे अंडर आईज को सेट किया है. तो मैं बनाना पाउडर से आज बेकिंग करूँगी. एक्चुअली इसमें भी एप्लीकेटर आता है, बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कर लिया, मैंने उसको गंदा नहीं किया. सो अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूँगी, एंड आई डोंट हैव एनी आईब्रो प्रोडक्ट फ्रॉम देयर रेंज. तो जब तक मेरी बेकिंग हो रही थी तब तक मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया, और मैंने यूज़ किया है आई शेडो पैलेट फॉरएवर 52 का न्यूट्रल आई शेडो कलेक्शन रेंज का. आई शेडो नंबर इज NEP002. तो मैंने अपने फेस से बेकिंग रिमूव कर दिया, एंड यू कैन टोटली सी माई फेस इज लुकिंग वेरी मैट, बट मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छा सेट हो गया, मैट हो गया है. जो फाउंडेशन शेड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर गया है, जिसकी वजह से मेरा फेस पूरा फेक सा लग रहा है. बट क्या कर सकते हैं यार, अभी आई डोंट नो वॉट टू डू, बट आई मस्ट से द पाउडर इज रियली नाइस, मतलब बिल्कुल ऑसम वाला है. बस मेरे फाउंडेशन शेड की वजह से आप लोगों को थोड़ा डार्क दिख रहा होगा ये, बिकॉज इंटेंसिटी थोड़ी ना चेंज कर सकता है कलर का. ब्लश अप्लाई करूंगी. ओके, सो फॉर द ब्लश आई हैव फॉरएवर 52 बटर ब्लश, और ये आई थिंक ना थोड़ा सा वैसा टेक्सचर है, बटरी काइंड ऑफ. माई शेड इज पीच मेलो, दिस इज द इनर पैकेजिंग, और ये इसका एग्जैक्ट शेड्स है. इसमें से ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ. ओके, इट्स वेरी पिगमेंटेड. फॉरएवर 52 के जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने ट्राई किए सब पिगमेंटेड ही निकले, और मैं इसे यहाँ पर पहले टैप कर रही हूँ स्लोली स्लोली, एंड देन मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. वाओ, द पिगमेंटेशन इज लाइक ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा इसका पिगमेंटेशन है, मैंने जस्ट ऐसे टच किया था, ओ माय गॉड. सो एक्चुअली मैं थोड़ा ब्लश न्यूट्रल भी अप्लाई करती हूँ ना, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक द इफेक्ट ऑफ दिस मच ऑफ यू नो पिगमेंट. सो मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर रन किया, बट येस माई ब्लश इज लुकिंग वेरी नाइस ऑल्सो, बहुत पिगमेंटेशन है इसमें. सो मैं क्या करूँगी, जस्ट थोड़ा सा पाउडर लेके इसके ऊपर रन कर रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा इसमें एक कलर मिक्स हो जाए. ओके, ना अभी मैं हाइलाइटर लगाने से पहले अपना फेस मिस्ट अप्लाई कर लेती हूँ, ये प्लम ही यूज़ कर लेते हैं, और आई मेकअप के पहले करना इज बेटर. तो ओके, सो अभी मैं आई मेकअप करूंगी, एंड फॉर आई मेकअप आई हैव दिस फॉरएवर 52/35 कलर आई शेडो पैलेट. दिस इज द अल्टीमेट एडिशन वाला आई शेडो पैलेट, एंड माई नंबर इज UEP002 फॉरएवर 52 के पैलेट को. एंड जस्ट लुक एट दिस पैलेट, ये कितना ह्यूज पैलेट है, ये 52 grams पैलेट, 52 grams वेट करता है. अमेजिंग, बिल्कुल प्रोफेशनल पैलेट है. इसमें एक और नंबर आता है 003, उसमें ना आपको ब्लू कलर्स एंड ऑल भी मिल जाएंगे, मुझे न्यूट्रल चाहिए था. तो सबसे पहले हम एकदम लाइटेस्ट शेड, क्योंकि ऑलरेडी हमारी लिड्स थोड़ी डार्क हो गई ना, तो सबसे लाइटेस्ट शेड जो है वो ये मुझे दिख रहा है, पिंकिश काइंड ऑफ. तो बोथ द आईलिड्स को सेट करूंगी. मुझे अपने लोअर लैश लाइन को भी संग संग सेट करना अच्छा लगता है. दिस
शेड राइट हियर दिस, और मैं इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन पे अप्लाई करूंगी. डन. नाउ मैं ये वाला शेड ले रही हूँ राइट हियर, और अपने आउटर वी और लिटिल बिट ऑफ ट्रांजिशन पे अप्लाई करूंगी. सो मैंने अच्छे से अपने आउटर वी और ट्रांजिशन पे ये पिंक वाला जो शेड है इसे अप्लाई कर लिया है और ब्लेंड भी कर दिया है. नाउ मैं जो ये वाला शेड है ना, दिस शेड राइट हियर, एंड रिमेंबर ये सारे शेड्स बहुत पिगमेंटेड है, सो जस्ट स्लोली स्लोली प्लेस करके जब पूरी पिगमेंटेशन निकल जाए तब इसको आपको ब्लेंड करना है. आई मेकअप में ना रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आई मेकअप की स्ट्रैटेजी बदल गई, अब एप्लीकेशन चेंज हो गया, टेक्निक चेंज हो गई, नहीं. बस कलर आप कौन सा चूज करते हो को क्रिएट करने के लिए और उसका ग्रेडेशन कैसे आप लाते हो, बस वही इंपॉर्टेंट है. सो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसी शेड को पहले ट्रांजिशन में ले जा रही हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आउटर वी में लगा रही हूँ, और इसी शेड को मैं ड्रैग करते हुए अपने लोअर लैश लाइन पर भी प्लेस कर दे रही हूँ. अभी आता है गेम चेंजर शेड जो कि है राइट हियर दिस पीच कलर, ये वाला. एंड मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी. जहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया ना, बस वहाँ पर लगाना है आपको इसको. इफ़ यू वॉन्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हो विद द ब्रश ऑल्सो. ये वाली जो शेड है ना, जस्ट ये वाली शेड यहाँ सेंटर पे मैं टैप कर रही हूँ. अच्छा, लोअर लैश लाइन के लिए मैं क्या करने वाली हूँ ना, तो जो भी मैंने अप्लाई किया था अपर लैश है अपर जो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वही शेड को मैंने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है. देखो, इट्स टोटली अप टू यू, आपको काजल लगाना पसंद है कि नहीं. मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है, एंड आई हैव फॉर एवर 52 का काजल, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट. बहुत लोग ना ग्लैमरस मेकअप करते हैं तो काजल नहीं अप्लाई करते हैं, या न्यूड काजल अप्लाई करते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. मैं थोड़ा सा इसी काजल को ना, क्योंकि ये बहुत स्मूद है, ऐसे ऐसे डॉट करते हुए अपने आईज पे एकदम क्लोज टू लैश लाइन अप्लाई करूंगी और क्विकली से ब्लेंड कर दूंगी. क्विकली बिल्कुल स्मज कर दूंगी. तो इट्स अ वेरी गुड आई हैक. अगर आपको आईलाइनर वाला इफेक्ट चाहिए बट यू डोंट वॉन्ट कि आप आईलाइनर लगाओ, इतना टाइम नहीं है, तो जस्ट स्मोक कर लो ना हल्का सा. मैं बहुत हल्के से टच कर रही हूँ एंड ये लिटरली इतना पिगमेंटेड है. अच्छा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप जल्दी में होते हो तो आप आईलाइनर लगाते हो या स्मोके आईलाइनर करते हो या जस्ट मस्कारा लगा के अपने लुक को कंप्लीट करते हो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इफेक्ट, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा. मैं लोअर लैश लाइन पर बिल्कुल टच नहीं करूंगी क्योंकि जितना इफेक्ट मुझे चाहिए वो टच ऑलरेडी हो जाएगा कि आपके आईज कलर से मैच करता हुआ. जैसे लेट्स से दिस शेड, ये थोड़ा सा मिल रहा है ना, तो बस आपको इसके ऊपर ऐसे करके अप्लाई कर देना है. ये आप देखो, मतलब बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इससे. आई तो लव दिस. आई हैव फॉर एवर 52 का प्रोफेशनल्स मस्कारा. इसमें लिखा तो कहीं नहीं है वाटर प्रूफ है, बट आई गेस की होगा ही. नाइस, होल्ड करने से लग रहा है कि यस, एक अच्छा वाला ब्रांड का मैंने प्रोडक्ट होल्ड किया है. बहुत ह्यूज है. ये मेरे लैशेस को बहुत नेचुरली कोट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम दे रहा है, मैं ये देख सकती हूँ, पर लेंथ नहीं दे रहा है. ये एप्लीकेटर थिक है इसलिए यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. ओके, सो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया और इस साइज में अप्लाई अभी कुछ भी नहीं किया है. नाउ हाइलाइटर फाइनली, बट आई डोंट हैव हाइलाइटर, सो मैं क्या करूँगी, फॉरएवर 52 का तो नहीं है तो मैं मेबलिन का यूज़ कर लेती हूँ. पहले मैंने सोचा था कि मैं पैलेट में से कोई शेड यूज़ कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा फेवरेट वाला यूज़ करते ना. जब भी आप चाहते हो ना कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से दिखे तो हाइलाइटर में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा. अगर मुझे करंटली अभी जितने प्रोडक्ट्स मेरे पास है उसमें से अगर चूज करना हो ना, जस्ट दो प्रोडक्ट फेवरेट इन हाइलाइटर,
तो मैं वेट एंड वाइल्ड एंड मेबलिन ही चूज करूंगी. वाओ आई लव इट. मतलब हाइलाइटर आपका गेम चेंजर बन सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज लिपस्टिक एंड आई हैव फॉरएवर 52 की लिपस्टिक. ओके सो दिस इज द लिपस्टिक का रियल. सो दिस इज द लिपस्टिक एंड इसे ओपन किया हमने तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया. ओके तो मैंने कुछ ये शेड मंगाया था. पिगमेंटेड है काफी ज्यादा और बहुत प्यारा शेड है. कैन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शेड आप पे कैसा लगेगा या अदर शेड्स इफ यू वांट टू ट्राई तो अमेज़न पे वर्चुअल ट्रायल मिलता है आप वहां से देख सकते हो. बहुत अच्छा लग रहा था ये शेड मुझे. नाउ मैं ये इयर रिंग वेयर करूंगी. पूरा वो बीच वाइब्स दे रहा है. लैशेज इफ यू वॉन्ट टू वेयर आप वेयर कर सकते हो. आई थिंक मैं नहीं वेयर करना चाहती हूँ मेरा मन नहीं है. ओके गाइज दिस इज द फाइनल लुक एंड डू लेट मी नो कि ये फुल मेकअप कम्प्लीट होने के बाद क्या आपको लगता है कि ये जो फाउंडेशन मैंने वेयर किया हुआ है ये मेरी स्किन को डार्क बना रहा है या मैच कर गया है. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रॉन्ग फाउंडेशन शेड. मैच कर गया या आई नीड टू बाय अ न्यू वन. प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना एंड ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दिस मेकअप लुक बिकॉज ये बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ. मतलब ब्लश के साथ जब हाइलाइटर लगा है ना तब ये लुक का रियल 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 वाला ग्लो निकल के बाहर आया है. सारे के सारे प्रोडक्ट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है सो डू चेक दैट आउट. एंड मैं हूं सोनाली. मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय. लव यू एंड टेक केयर.